अपन आज जा रहे हैं नरसिंहपुर। नरसिंहपुर कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बस तुम खे गली में जा कर बते हैं। तो अपनी गाड़ी जो है परासिया की फोर लाइन में चल रही है, और फिर से तो अब हम चला नहीं सकन कि जंगल की वीडियो ऐसे नहीं बनाए, ऐसे गेम हो रही थी और जल्दी में है, ऐसे अब हम फोर लाइन वीडियो भर बना रहे हैं। तो भाई साहब अपन रास्ता में चला ही रहे थे और शरद तो भाई साहब रास्ता में धार्मिक श्रद्धालु नर्मदा मैया की परिक्रमा वासी तो चुनरी लेख है चुनरी चढ़ावे जा रहे हैं। जे धार्मिक श्रद्धालु मिले अपन खे बसंत पंचमी में चढ़ावे जा रही। भैया देख कितनी लंबी चुनरी है, मान चल ये पार से वो पार टिका दें, इतनी लंबी चुनरी चढ़ावे जा रहे हैं भैया बिहार में श्रद्धालु। ऐसे ऐसे आस्था को केंद्र और गली धरे ऐसे ही झाड़ू लगत जा रही है, कोई निगत जा रहा है, कोई झंडा लेकर जा रहा है। पूरी रास्ता में धार्मिक श्रद्धालु बंधु चल रहे हैं बिल्कुल, और अपन बस बिल्कुल देखा जा रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल फोर लाइन में। देखो एक से बढ़ के एक नज़ारा, तो भारी दिलचस्पी नज़ारा है फ्रेंड। और देखते हैं और आगे भी पूरे रास्ता में धार्मिक श्रद्धालु बंधु मिलते हैं अपन का। तो भैया जा ही रहे थे और मेरा गली में हमने देखे क्या कैसे की चुनरी जा रही है माँ की, ये लगा बरमान जा रही है, और अब ड्राइवर ही बदल गई है भैया। कैसे कि वीडियो बनाने को सुर खा नहीं रहो, तो हमने सोचे यार का वीडियो बना सुर खा नहीं रहा है, तो हम बैठे हम पाछे और वीडियो बने। तो फ्रेंड हम चलते हैं आगे की ओर सुपर वादियों से स्पेशल नज़ारा, और ये नज़ारा है और जो घाट है खापा को, खापा गांव दिखाई रहा है, और बल सुपर वादियों से उतरती हुई गाड़ी गेहूं के खेत से फोर लाइन का नज़ारा बिल्कुल काफ़ी दिलचस्पी नज़र आ रहा है। वाह क्या बात है। आज तो भज्जा पूरी रास्ता में धार्मिक श्रद्धालु बंधु बस बिल्कुल पैदल परिक्रमा की ओर नर्मदा माई बरमान को जा रहे हैं, और हमने सोचे कि यार क्यों ना वीडियो बना दिया जाए धार्मिक श्रद्धालु बंधुओं की। तो एक से बढ़ के एक नज़ारा है, और बस बिल्कुल हम आगे की ओर बढ़ते जब जब श्रद्धालु आए तो कैमरा हम जरूर चालू कर लें। सोचे और आगे एक और चीज आ रहे हैं जी बहुत ज़्यादा, अरे टोली बाई टोली मिल रही है भैया, टोली बाई टोली इतनी टोली मिल रही है का भगवान ही जाना थू है, टोली बाई टोली इतनी टोली। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर में भैया साहब धार्मिक श्रद्धालु बंधु बस बिल्कुल जा रहे हैं बरमान नर्मदा माई के, और हमने सोचे यार अपने दर्शकों को दिखा दो जाए अपन जा रहे नरसिंहपुर। सो हमने कहे यार कहे नहीं यार अपने दर्शकों को दिखा दो जाए जी, झंडा तिरंगा लय बिल्कुल बस चले जा रहे हैं। और हम भी बिल्कुल सुस्ती नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है कोई कछुओं में जा रहा है, बस बिल्कुल कितने लम्बे जो नाला में भी नीचे नहा रहा है धार्मिक श्रद्धालु बंधु पूरे क्षेत्रीय वासी भैया लखनऊ के आसपास के क्षेत्र के आदमी हैं जो, और कोई नहीं है ज़्यादा दूर के भी नहीं है, काहे तैयार हम नर्मदा नहीं है, नहीं तो नहीं तो मंडला में भी है तो जबलपुर में भी है। तो जे धार्मिक श्रद्धालु बंधु हैं बस अपनी अपनी आस्था लाए और बस नर्मदा माई की ओर जा रहे हैं। जय माता जी जय माता दी। कोई डांस कर रहा है कोई डीजे लगाओ है ऐसे चले जा जे डांस कर रहे हैं जी, तो ऐसी बात है यार भाई साहब। अब देखते हैं आगे की ओर नज़ारा, पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी बड़ी टोलियां जा रही हैं, और बस हम देख ही रहे हैं
हालांकि आस्था की जोत तो हर कोई है जलाने चाहिए, और ऐसी बात नहीं है जो पैदल जा रहे हैं ऐसे ही निगत हुए हैं, तो इनके ऊपर मैया की कृपा हु है। तभी तो आ यार, जब ये आदमी इतने धार्मिक श्रद्धालु रहें इतने लगन से जा रहा है, इन्हें कोई न कोई फायदा कोई न कोई बेनिफिट जरूर मिला थे, तो यहाँ से बेनिफिट को लाभ उठाने के लिए अपन लोगों के भी जाने चाहिए कि पैदल और ऐसी तपस्या जात भाई तपस्या है, कोई किसी आस्था से तपस्या, कोई कोई आस्था से तपस्या, तो जा तपस्या को हर किसी के लाभ उठाना चाहिए। तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और बसंत पंचमी की चुनरी में जी जी शामिल होने हैं तो हो सकत है, इतना ही से जय माता दी को नारा लगा दो आपकी बिल्कुल इन्हीं के साथ, जाही टोली के साथ तुम्हारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए हैं। तो भज्जा ऐसी बात है, जो जो चीज़ गली में आई तो अपन जरूर दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक टोली बस बिल्कुल मिला ही रही हो। जो नीली टी शर्ट लिखी है पूरे में गणेशगंज लिखो, गणेशगंज। और हमने भैया देखा समझ लाया कि भाई जी गणेशगंज इस क्षेत्र के ही हैं, तो ऐसी बात है यार भाई साहब। और बस अपन नरसिंहपुर जाकर और तुम्हें नरसिंहपुर को बिल्कुल सालेक्ट नज़ारा दिखाओ, जो है का कैसो नज़ारा है नरसिंहपुर दुकान को। और बस अब जी अपन बचाई की फैक्ट्री में आ गए हैं, जब बचाई की फैक्ट्री देख लीजिए कैसो धुआं उड़ रहा है बिल्कुल काफ़ी, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती, अब गुड़ महंगा हो गया है जब से इतने पर भीड़ वीड़ नहीं लगा करें, तो ऐसी बात है यार साहब जी यार। बस और आगे चलते हैं, और आगे का नज़ारा क्या दिखता है वो भी बता रहे हैं तुमको। अब चलते हैं हम और आगे की ओर जा रहे हैं। देखो जय माता दीवारी और अन्न भक्त मिलते हैं, तो अब आ गया जो भैया टोल टैक्स का नज़ारा है। टोल टैक्स की बड़ी टकती स्कूटरों में फास्ट टैग लगा नहीं, इसे हमने तुम्हें दिखाया नहीं, तो जय आ गए हम दुकान दो कितने लिए है जा भैया। इंदौर वाली दुकान में खड़े जो पाइप गंजे हैं, सी क्लेम बारे हैं, और ये रोलाई रोल गंजे हैं, और जे रोलाई रोल फड्डों में भी रोलाई रोल। और बस अपन अपने बार कौन सा रोल आया बोने कार भी लगी है अपन, कौन सा बार हुआ जो बार हुआ ये का है कार रहा बाहर जो नहीं जाम में रखो नीचे तो 45 से। अच्छा बताओ, इतना बड़ा ढेर 50 mm नहीं मिल रहा, कहाँ मिल 50 mm 50 mm। तो जैन कोई हर दिन रहा तो पता रहे थे ना यार, कहूँ कल आए हर जो ही आए 50 mm जो ही आए 50 mm। तो फ्रेंड्स जो बन गो बिल और ऐसे को बनो तो बिल, और जा है ऐसे की दुकान, और का देख लो जो है रस्सा, और जे खड़े हम और बाहर को नज़ारा दिखा रहे हैं। नहीं जो है जो रस्सा जन कर गई मोटर, और जो रखो है बिल, तो हम लोगों को ज़्यादा बताए करे नहीं। और बस अब अपनी हो गई चलती की बेरा, अब अपन चलाते हैं भूखे हते तना भूखे जा दुकान तो देखा ही लो मोटर कितनी मोटर का नहीं है, और वायर का जो है और लीड सब मोटर सामान, कार भी खड़ी इनकी देखो इंदौर इलेक्ट्रिकल। तो फिर अब एक बार आ गए अपन चपाटी नरसिंहपुर की चपाटी फेमस चटा चपाटी, देखो चपाती का नज़ारा बिंदास, इतना खाए हमने मिक्सर और बस बिल्कुल हमने सोचे अब इधर से चल दिया जाए, बहुत हुआ चपाटी का नज़ारा दिखा दिए भाई साहब।
और फिर अगली वीडियो मिलते हैं, पता नहीं कौन सी बात।